तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे। YouTube फैमिली वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मंगलवार है तो हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। हमने तो कर ली। और ये जयपुर के सबसे प्रसिद्ध हनुमान जी हैं, चांदपोल हनुमान जी। जब जयपुर में आप एंटर करते हैं तो चांदपोल हनुमान जी, मतलब चांदपोल गेट आता है, वहीं पे इनका मंदिर है। तो आप जब भी जयपुर आए तो इनके दर्शन करें। ये असली के हनुमान जी हैं, प्रकट हुए हैं, किसी ने इनकी मूर्ति नहीं बनाई है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता रही हूँ, तो इनका आशीर्वाद ले लीजिए। और ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और माता रानी के भी दर्शन कर लीजिए। जय माता दी। और किरण क्या कर रही है आज? मेरी तबीयत नॉर्मल है। और हमारे घर में बहुत सारी ठंडी रोटियां बची हुई है, तो उसका हम कुछ बनाने वाले हैं। तो मुझसे तो मिले ही नहीं आप। जय माता दी। तो ऊपर चलते हैं, आज आपको मैं ऊपर का टूर कराती हूँ। मौसम बढ़िया हो रहा है गाइस, और मेरी खांसी मिटती नहीं है। इस तरीके का हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इस मकान का काम तो चल ही रहा है, और पेड़ वेड़ सब, हवा चल रही है, धूप नहीं है अभी। तो आप लोग देख सकते हैं, और पक्षी कैसे चहचहा रहे हैं, क्योंकि मौसम जब अच्छा होता है तो पक्षियों को भी राहत मिलती है गाइस। और आज मेरी तबीयत ख़राब है, कोई बात नहीं है, सांस भर रही है। और ये पेड़ देखो आप, ये जड़ में से उगा हुआ है। पहले ये छोटा था, अभी बड़ा हो गया। नीम का पेड़ है, और नीम बहुत ही अच्छा होता है। और ये जितने भी पेड़ आप देख रहे हैं, ये पता नहीं किस चीज़ के पेड़ है, पर इनकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है गाइस फर्नीचर बनाने में। और इधर का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। और हमारी हायोभूसा खड़ी है, और दूर दूर का नज़ारा आप देख सकते हैं। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बादल हो रहे हैं। और वो रहा पहाड़ पर्वत, उत्तराखंड के जैसे हमारे जयपुर में भी है। ताज थोड़ा मौसम सही है। हवा चल रही है, और किरण ने ना यहाँ पे है ना गुटली उगाई है, आम की आम की गुठली उगाई है। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, और कारीगर काम कर रहा है, और हमारी लकड़ियाँ इधर पड़ी है। पता नहीं, अब हमें डर लगता रहता है कि कोई छत से आके ले नहीं जाए। और टंकियाँ भी लग गई है गाइस यहाँ पे, तो नीचे ही टंकियाँ लगवाई है। पता नहीं अजीब सा मकान बनवाया है, और उसके भी 25 लाख रुपए। इट्स वेरी। और तुलसा जी हमारी सूख चुकी है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई। और ये है गिलोय का पेड़। तो नीचे चलते हैं। गाइस हमारी भूख तो मर चुकी है, भूख ही नहीं लगती है, पता नहीं किसकी नजर लगी है। तो नीचे चलते हैं। और किरण हो गया क्या?
हो गया। तो फिर लो आप पकड़ लो अब इसको, ये मैं कर दूंगी इसको। मेरे गंदे हाथ हो रहे हैं। तो भाई हमने है ना इसको तो मैं रख देती हूँ। देखो हमने बेसन लिया है, बेसन में हमने सौंफ गिरी है, अजवाइन गिरी है, टमाटर गिरा है, प्याज गिरा है और लहसुन गिरा है। इसका हम बैटर बनाएंगे। इसका क्या करना है? इसमें मैंने शायद है ना नमक भी नहीं गिरा। नमक सच्ची में नहीं गिरा गाइस, मैंने नमक नहीं गिरा था और हींग भी नहीं गिरा है। और हल्की सी मिर्ची भी गिर देंगे। मिर्ची गिर देंगे, ज्यादा नहीं गिरेंगे। आप चाहे तो इसको स्पाइसी बना सकते हैं। मैंने हरी मिर्ची भी नहीं गिरी है और लाल भी कम गिरी है। आप चाहे स्पाइसी खाते हैं तो आप उसमें गिर सकते हैं। और हम बनाने जा रहे हैं पिज्जा रोटी, और वो भी बेसन वाली, बेसन की। कल भी हमारी रोटियां बच गई थी और आज भी बच गई है, तो उसको बगा तो नहीं सकते हैं ना, आप समझ सकते हैं। तरीके का बैटर हम बना लेंगे और हमारा पराठा बन चुका है। इस तरीके का बैटर है दोस्तों। और मुझे तेल लेना पड़ेगा, मम्मी का तेल लेना पड़ेगा। तो हम सरसों के तेल में ही बना लेते हैं गाइस। सरसों के तेल में अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता। इसके लिए हम रिफाइंड तेल लेंगे। दोनों मिक्स कर लिया है और ये बैटर हमारा इस तरीके का है जैसा कि आप देख रहे हैं। गैस कम कर देंगे। अब हम ले लेते हैं रोटियां। सही है हमारी रोटी। और पहले हम तेल लगाएंगे इस तरीके से। तेल लगाएंगे, रोटी को रख देंगे। और इस बैटर को लगा देंगे, थोड़ा पतला करेंगे इसको। बहुत गाढ़ा गाढ़ा हो गया। हाँ सही है। इससे आप इसको बहुत अच्छी तरीके से खा सकते हैं। इससे आपकी रोटी वेस्ट भी नहीं होगी। और इस पे हम ऊपर तेल लगा देते हैं, फ्लेम तेज कर देते हैं और ऐसे से ऐसे सिकने के लिए छोड़ देते हैं। और इस पे और बैटर लगा देते हैं।
पतला पतला लगाएंगे, इसमें थोड़ा पानी और घेर देंगे। बस इतना बहुत है, पूरी रोटी के लगना चाहिए ना। हेलो गाइस, पूरी रोटी की लगना चाहिए। और हम तेल ले लेते हैं और देखते हैं हमारी रोटी बनी है नहीं बनी। वो ले लो ना ये वाला चिमटा। नहीं मुझे पता है, बिल्कुल अच्छी बन रही है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रोटियां बनी है बेसन वाली। कम ही तेल लगाएंगे, हमें इसको केवल सेकना है, केवल सेकना है। और हमारी रोटियों का उपयोग भी हो जाएगा और नाश्ता भी बन जाएगा। सेकेंगे हम अभी इसको, करारी करेंगे। तो दोस्तों हमारी ये रोटी करारी होएगी और आपके लिए सर्व भी करेंगे। और लोग बताना मेरा ट्रिक, मेरा नाश्ता आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमें इसको सेकना पड़ेगा क्योंकि बेसन कच्चा ना रह जाए, कच्चा ना रह जाए। और इसका दोस्तों सॉस से खाना बहुत टेस्टी लगेगा। धीमी धीमी आंच पे बनाएंगे दोस्तों। तो हमारा एक रोटी बनके पिज्जा तैयार हो चुका है। तेल लगा देते हैं इस तरीके से, हम सारी बना लेंगे, सारी पिज्जा रोटी बना लेंगे। ये देसी स्टाइल वाला पिज्जा है हमारा। ऐसे कैसे हम पलट देंगे, बिल्कुल हल्के हाथ हाथ से पलटना है जिससे कि बेसन रोटी पे ही रहे। और इधर भी हम बैटर लगा देंगे। आप इसे पिज्जा रोटी भी बोल सकते हैं या चीलड़ा रोटी भी बोल सकते हैं, कुछ भी आपकी इच्छा हो या जो बोल सकते हो आप। आप देख सकते हैं इसको हम सॉस के साथ देंगे। गाइस आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और मेरी तबीयत नॉर्मल हो रही है आज, तो कमेंट करके जरूर बताना मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगती है। प्लीज़ बहुत मेहनत से एक ब्लॉग बनता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वॉच करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन प्रेस करना।
होने देते हैं इसको। यहाँ पर हमारी टिक्किया रोटी बनके तैयार है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इसके साथ हम आपको सॉस भी देंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से मम्मी बना रही है। मैं आपको सॉस दे देता हूँ। दोस्तों ये कौन सा सॉस है? उसको मत दिखा, बिगाड़े मत ब्लॉक। गाइस ये वाली भी हमारी बनके पिज्जा रोटी तैयार हो चुकी है। थोड़ी करारी बनी है तो इसको सेकना जरूरी था। तो किरण आपको खा के दिखाएगी सॉस के संग। और आज हम स्मॉल ब्लॉक ही बना रहे हैं गाइस। तो कैसी लग रही है पिज्जा रोटी बेसन वाली? किरण आपको टेस्ट करके दिखाएगी। किरण टेस्ट करके दिखाओ पिज्जा रोटी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है सॉस के साथ, तो बहुत टेस्टी लग रहा है। और आप भी हमारी खाने का मजा ले सकते हैं। तो इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। आज स्मॉल ब्लॉग बनाया है हमने क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए